आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल वेल्डिंग है, जैसे कि गैस वेल्डिंग, जिसमें हम दो गैसें या दो से ज़्यादा गैसेस को फ्यूज़ करके या बर्न करके हम लोग मेटल को पिघला के और ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं। पर अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम वेल्डिंग करते हैं। इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स रहते हैं, हमारे पास ट्रांसफार्मर रहता है या एक वोल्टेज सोर्स रहता है, जिसमें हमारे एसी या डीसी रहेगा, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई देगा। एक हाई करंट पावर सप्लाई हमको कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। जो हमारा ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर से हमारा हम लोग उसको जो करंट की वैल्यू है उसको कम या ज़्यादा कर पाएंगे। और इसमें इसमें हमारा क्या होता है, दो टर्मिनल निकलते हैं। जो निकलता है ये इलेक्ट्रोड लेड है, जिसमें हमारा क्या होता है, यह इलेक्ट्रोड होल्डर कनेक्ट रहता है, जिसमें हम वेल्डिंग रॉड जिसको नॉर्मली कहते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोड जानते हैं टर्म, इलेक्ट्रिकल टर्म में। इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं जिसके थ्रू हाई करंट पास होता है। और एक दूसरा टर्मिनल निकलता है जिसको हम लोग वर्क लीड बोलते हैं, जिस टुकड़े को हमको वेल्ड करना है उस टुकड़े के पास हम लोग इसको लगा देते हैं, ताकि एक, क्योंकि हम जानते हैं जो भी इलेक्ट्रिक करंट है उसको एक सर्कुलर पार्ट चाहिए, तो एक सर्कुलर पार्ट हमको प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग ग्राउंड क्लैंप बोलते हैं। दो मेटल का टुकड़ा है उसको ज्वाइन करना, तो नीचे वाले हिस्से में हम लोग जोड़ देते हैं और जहाँ ज्वाइन करना वहाँ से हम लोग करते हैं, एक क्लोज पार्ट रहता है। और यहाँ क्या होता है, ये दो प्लेट है, प्लेट वन प्लेट टू, दोनों को हमको वेल्ड करना है। ये वेल्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है, ये जो ब्लैक डॉट में दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट, वेल्डिंग का स्पॉट। इन दोनों के बीच में रहेगा, ऐसे ऐसे स्पॉट बनते जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा और हमारा वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हमेशा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो सप्लाई होती है वो कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और भी हाई करंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड उसमें हमारा फ्यूज होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या होती हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं, इसका कॉस्ट क्या होता है, काफ़ी रिलायबल होता है। जैसे गैस वेल्डिंग में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे जो गैसेस होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा हमारे कॉस्टियर होते हैं। ये क्या होता है, इसमें कॉस्ट बस हमारा जो रहता है इलेक्ट्रिक कॉस्ट लगता है, और जो इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं उसका कॉस्ट लगता है। पोर्टेबिलिटी होती है, जैसे गैस का जो सिलेंडर्स होते हैं काफ़ी बल्की होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, उनको ले जाना, एक दो तीन गैस टैंक होंगे, उसके बाद एक फ्यूजिंग टैंक होगा जहां पर गैस फ्यूज होगा, उसके बाद नोजल होगा जहां से वो निकलेगा, मतलब काफ़ी बल्की स्ट्रक्चर रहता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले आने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, जो कि यहां पर सॉल्व हो जाती है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। वर्क इन डर्टी मेटल, जैसे हम जानते हैं गैस वेल्डिंग अगर कर रहे हैं हम किसी तरीके से किसी भी मेटल में, तो क्या होता है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल या मॉइस्चर रहता है तो उसमें क्या पोर्स रह जाते हैं, जो बाद में जाके उसको क्रैक उत्पन्न करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसका हम उपयोग डस्ट या डर्टी जहाँ प्लेट्स हों, जहाँ पर इन्वायरमेंट उतना साफ सुथरा ना हो, जैसे इंडस्ट्रियल में क्या होता है डस्ट या डर्ट उड़ते रहते हैं, वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये अच्छी तरीके से हम लोग इसका उपयोग करके वेल्डिंग कर सकते हैं डर्टी मटेरियल को, मेटल को। यहाँ पर कोई गैस की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ पर हम लोग कोई गैस नहीं लगा रहे, नो नीड ऑफ एनी गैस। ये क्या होता है, इसमें जो स्पॉट होता है, जो वेल्डिंग होता है, वो जो होता है स्मॉल से लेके लार्ज स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं, मतलब छोटा से लेके मतलब स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं, चाहे हमको लंबा करना एक कंटिन्यूस में करना वो भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस टाइप के वेल्डिंग का होता है लेस टाइम, हमको कम टाइम में हमारा हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, होमोजीनस एंड यूनिफॉर्म वेल्डिंग। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कौन सा वेल्डिंग तरीका में हमको होमोजीनस और यूनिफॉर्म वेल्डिंग मिलता है, तो वो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। इसमें होमोजीनस और यूनिफॉर्म मतलब एक कॉन्स्टेंट, एक बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं ज़्यादा दोनों पीस मेल्ट करके चिपक गया, मतलब एक यूनिफॉर्म वे में मिलेगा, कहीं पर मतलब ज़्यादा अनयूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनस और यूनिफॉर्म वेल्डिंग हमको प्राप्त होगा। इसमें नो स्मोक फ्यूम, कोई भी इस वेल्डिंग प्रोसेस में कोई फ्यूम गैस निकलता नहीं है जो हमको ज़्यादा इम्पैक्ट करे, नॉइस ले होता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं पैदा कर सकता है, जो अदर वे ऑफ जो रहते हैं वेल्डिंग वो काफ़ी
और इसमें क्लीन ऑपरेटिंग रहता है, इसमें कोई ज़्यादा गंदगी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि बाकी जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण या अनक्लीन रहते हैं। इसमें क्या होता है क्लीन ऑपरेशन, साफ सुथरा तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेज है। अब बात करते हैं वेल्डिंग इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एयर प्रेशर गेज। अब बात करते हैं एयर प्रेशर गेज क्या होता है कि इलेक्ट्रोड कितना मतलब कितना दबाव डालेगा। क्या होता है कई बार ये ऑटोमेटिक रहते हैं, जो हम देखते हैं नॉर्मल डोमेस्टिक अपने आसपास वो क्या रहते हैं हैंड वाले रहते हैं। कई सारी जगह का रहता है ये एक ऐसे स्टैंड पर माउंटेड रहता है जो कि एक प्रेशर हैंड की तरह काम करता है, जो ऑटोमेटिकली आप ये जो स्टैंड पर ये इलेक्ट्रोड ऊपर नीचे होता रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एयर प्रेशर गेज लगाते हैं। फिर दूसरा जो होता है एयर प्रेशर एडजस्टमेंट एडजस्टर आते हैं। फिर एक एयर सर्कुलर आता है जिसके अंदर एयर टैंक रहता है ताकि ये मूवमेंट कर सके। वेल्डिंग कंट्रोल स्विच है, रेगुलेटर्स को हम लोग देख चुके हैं पहले, ठीक है, जो हमारे करेंट की वैल्यू को कंट्रोल करेगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि हमको यहाँ पर हाई करेंट की आवश्यकता होती है इसलिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। इसमें अपर इलेक्ट्रोड हम देख चुके हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है जिसमें हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, ये लोअर इलेक्ट्रोड है जिसमें हमारा ग्राउंड क्लैंपिंग हुआ है। फिर ये जो फ्रेम रहता है ये मशीन फ्रेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है इसको ऑपरेट करने के लिए बाकी जगह क्या होता है कि जब वेल्डिंग हमारा नहीं काम कर रहा है तो वेल्डिंग को काम करवाने के लिए यहाँ क्या रहता है एक पेडल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे हमारे सिलाई मशीनों में रहता है पेडल, जो दबाने पर क्या होता है हमारा सिलाई मशीन चलने लगता है, वैसे यहाँ पर एक पेडल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि इससे कनेक्ट रहता है। जब इसको हम दबाते हैं तभी वेल्डिंग होता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग फुट स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट स्विच, फुट स्विच हम बोलते हैं। आज क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।